पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी चरण सिंह के खिलाफ फेसबुक पर विवादित टिप्पणी को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं में भारी उबाल है। रालोद नेताओं ने अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ थाना राया में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। मथुरा जिले में रालोद जिला पंचायत सदस्य व अन्य रालोद पदाधिकारियों ने थाना राया में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला व्यक्ति बागपत का बताया जा रहा है। रालोद नेताओं का कहना है कि यदि दोषी के खिलाफ 5 दिन में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वे थाने में घेराव करेंगे। जनपद बागपत के यशपाल जी हैं और उन्होंने किसान गरीब मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे देश में जाति दंगा और भड़कने की पूरी आशंका है। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी रविंद्र नरवार जी, हमारे बाड़ी कत्ती से चुनाव लड़ चुके चौधरी जयवीर सिंह जी, केरन सिंह रावत जी, विश्वेंद्र सिंह जी छात्र सभा के वृत्तांत अध्यक्ष जी, हमारी मीडिया प्रभारी कटेला से मनोज शर्मा जी, हम सभी लोगों ने माननीय इनको हमारे उमा गुरुदेव जो सभासद जी हैं और SSI शिव कुमार साहब को हमने सोलाल वाल्मीकि साहब जिला पंचायत सदस्य भी है, कई राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेतागढ़ हैं, इन सब लोगों ने मांग की है कि यदि 5 दिन के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ FIR नहीं होगी तो हम यहाँ थाने का घेराव करेंगे और आगामी रणनीति अपनाई जाएगी।